What's up people, it's Mehtab Singh here. और बहुत दिनों बाद मैं मेरे even light on करने light करना भूल गया है. Okay, so now it's fine. Say hi to Elvis. वो Elvis बैठा हुआ है. तो बहुत दिन बाद एक ट्यूटर बनाएंगे हम लोग आज Hyperlapse पे. तो Hyperlapse आपने देखोगे वीडियोस से बनते हैं, फोटोज से बनते हैं, हम लोग बनाएंगे फोटोज से क्योंकि फोटोज बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के बनता है. Hyperlapse जो फोटो से बनता है, Timelapse और Hyperlapse जो फोटो से बनता है वो बहुत हाई क्वालिटी का बनता है. तो मैं आपको जो ट्यूटर दिखाऊंगा उसके अंदर स्टार्टिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप हैंड हेल्ड, मैं ट्राइपॉड और मोनोपॉड यूज़ नहीं करने वाला, हैंड हेल्ड कैसे फोटोज लोगे जो परफेक्टली आए, कैसे आप अलाइन कर सकते हो अपने फोकस पॉइंट के थ्रू हर एक फोटो को जिससे जो आपका Hyperlapse है वो स्टेबल बने, आखिरी में जो बने. ठीक है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा लाइट रूम में कैसे उसको आप सीक्वेंस और उसको एडिट कर सकते हो. उसके बाद आप प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे उसको इम्पोर्ट करोगे और कैसे उसको और ज़्यादा स्टेबल कर दोगे. तो मैं आपको सिखाऊंगा. ये पूरा टोटल जो है ये Timelapse में भी काम आ सकता है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है कि हमने Hyperlapse कैसे रिकॉर्ड किया वो हटा दो आप और सिंपल आप एक जगह पे फिक्स फोकस जगह रख के अगर फोटोज लोगे तो वो Timelapse में आ जाएगा. ओके, तो आपको सिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं. तो समझ लीजिए ये हमारा DSLR कैमरा है और इसके अंदर ही आपको फोकस पॉइंट दिखता होगा रेड रंग का. ओके, तो अब आपने अपने व्यू फाइंडर में देखिए और आपको ये फोकस पॉइंट दिखेगा. आपको क्या करना है, इस फोकस पॉइंट को स्टार्टिंग में पहली फ़ोटो जब पहली Hyperlapse की पहली फ़ोटो लोगे तो आपको अलाइन करना है जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जिसकी हम फ़ोटो खींच रहे हैं उसके किसी एक पॉइंट से. तो जैसे ये फ़ोटो है, दिख रही है आपको ये फ़ोटो, इसके अंदर एक पॉइंट हम रख लेंगे. हम सोच लो जैसे ये पॉइंट, ये टॉप है गुरुद्वारे का, तो इस जगह पे हम लोग अपना रेड रंग का जो हमारा फोकस पॉइंट है उसको सेट कर लेंगे. मतलब जब अपना हमारा जॉयस्टिक होती है ना कैमरे DSLR की, उससे उसको सेट कर लिया. अब हर एक फ़ोटो में ये रेड रंग का पॉइंट हमेशा गुरुद्वारे के टॉप पे ही रहेगा. हम कितने भी पास चले आए फ़ोटो लेते लेते Hyperlapse में, बट वो पॉइंट वहीं रहेगा. आपको इस पॉइंट को अब जॉयस्टिक से बिल्कुल भी मूव नहीं करना. आपको बस क्या करना है, आपको सब्जेक्ट में जो हमने टॉप चूज़ किया है उसको अलाइन करना इस पॉइंट से हर एक फ़ोटो में. ओके, ऐसी फ़ोटो लेने के बाद अगर आप उनको जोड़ दोगे तो ये इफेक्ट आएगा. सो हम लोग आ चुके हैं, हमारे सामने ये फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं. सो ये जो फाइल्स हैं ये रॉ फॉर्मेट है, मतलब जो मैंने रिकॉर्ड किया फ़ोटो खींची थी. तो इनको पहले मैं सीक्वेंस बनाऊंगा और एडिट भी करूंगा सीक्वेंस बनाऊंगा. तो वो उसके लिए मैं क्या चाहिए, लाइट रूम. तो मैं सब फोटो को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा लाइट रूम में. ठीक है, ये लाइट रूम में इंपोर्ट कर दिया मैंने. ओके, देर लग रही क्योंकि काफ़ी फाइल्स हैं. जैसे मेरे बहुत सारी फाइल्स आ गई, ठीक है. अब मैं सारी फाइल्स को जो मैंने Hyperlapse से मैंने जो खींची थी फोटो, आपको बताया टेक्निक बताई थी मैंने, उससे जो मैंने फोटोज़ खींची थी उनको मैं एडिट करूँगा. मैं ओनली एक फ़ोटो को एडिट करूँगा और सिंक ऑल कर दूँगा. ये लाइट रूम का फ़ायदा है कि मतलब हर एक फ़ोटो को एडिट करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप पता है आप वीडियो बनाने के बाद प्रीमियर प्रो के अंदर इसको वो करेंगे, एडिट करेंगे, तो आप ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकते क्योंकि फ़ोटो ज़्यादा अच्छी एडिट हो जाती है वीडियो से. ओके, तो फोटो आप लाइट रूम में एडिट कर दो जैसे मैं चाहता हूँ. कोई कैसी भी आप सेटिंग कर लो, एडिट कर लो आप. जैसे मैंने कुछ भी कर लिया, अभी जल्दी कर रहा हूँ कि मैं कर चुका हूँ पहले ही. ठीक है, सिंपल मैंने एडिट किया, जो भी एडिट किया सिंपल एडजस्टमेंट कर दिए. उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहली फोटो सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए दबाऊँगा, सब सेलेक्ट हो जाएंगी. याद रखना ये जो वाइट है वो, मतलब जो हमारी मेन फोटो जिसको एडिट किया है वो वाइट रहे. ओके, वो सिलेक्टेड रहे. फिर सिंक सेटिंग्स में जाऊँगा, चेक ऑल कर दूँगा और सिंक्रोनाइज़ पे क्लिक कर दूँगा. तो हमारी सारी की सारी फ़ोटो फिर सेम सेटिंग्स हो जाएंगी. जो हमने एक फोटो एडिट किया वैसी ही सारी फोटो एडिट हो जाएगी. देखिए सारी फोटो एडिट होती है धीरे धीरे. ठीक है, मैं फिर क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाऊंगा, ये मेन चीज़ है. एक्सपोर्ट में जाऊंगा, डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करना मुझे. सबसे पहले तो स्पेसिफिक फोल्डर चूज़ कर लूँगा इसके लिए. जैसे डेस्कटॉप पे मेरा ये है फोल्डर, तो सब फोल्डर का नाम रखूँगा मैं कुछ. जैसे मैं Timelapse रख रहा हूँ. ठीक है, अभी ये Timelapse का रॉ फुटेज था क्योंकि मेरे पास क्या है Hyperlapse का रॉ फुटेज नहीं है. बट मैं आपको उसके मतलब एक्सपोर्टेड फुटेज है, मेरे गलती डिलीट हो गया था. तो मैं आपको Timelapse का दिख रहा हूँ, सेम ही है. Timelapse और Hyperlapse दोनों मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक ही तरीका दोनों करने का. ठीक है, तो मैं रीनेम कर रहा हूँ इसको. जैसे मैं इसमें अब मेन चीज़ है जो रीनेम टू को टिक करना है आपको, फाइल रीनेमिंग में रीनेम टू को टिक करना है. और कस्टम नेम सीक्वेंस में यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले से आपको और कुछ होगा. आपको जाना है कस्टम नेम सीक्वेंस. ठीक है, ये डैश सीक्वेंस लगा हुआ है.
इसके अंदर हम नाम डाल दें कस्टम टेक्स्ट, ऐसे सीख दिया, और स्टार्ट नंबर वन है एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये एक ही फाइल एक्सपोर्ट, गलती से मैंने क्योंकि सबको सेलेक्ट नहीं किया था, सबको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। ओके, सबको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए मैं करूँगा तो सारी होंगी सब, वो बोल रहा है क्योंकि मैंने अभी एक्सपोर्ट कर दी थी ना, इसलिए बोल रहा है। अब ये देखिए ऊपर देखो 207 फाइल्स एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये सब एक्सपोर्ट हो जाएंगी तो आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखेंगी। कैंसिल करता हूँ इसको। ओके, ये सब टाइप काफ़ी टाइम लगता है इसमें, एक्सपोर्ट में 1-2 घंटे लगते हैं अगर 300-400 फाइल है। ठीक है, तो जैसे ये फाइल जो है ये एक्सपोर्ट होंगी, तो ये जैसे ये फोल्डर है मेरा, इसके अंदर एक्सपोर्ट हो गई, समझ रहा आपको। तो ये देखिए -1-2 के नाम से हुई है, हमें ये सीक्वेंस चाहिए था मेनली। तो मैं आपको हाइपरलैप्स दिखा दूँ, हाइपरलैप्स भी पड़ा हुआ है एक्सपोर्टेड आईट्यून्स से, तो मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे उसका वीडियो बनाना है। जैसे मेरे पास ये है प्रीफिक्स -001-002 लिखा हुआ है, ये मेरे पास एक हाइपरलैप्स का वो पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर और कोई यूज़ करता हूँ जो सिंपल हो, जैसे ये इसके अंदर ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा कम फाइल्स है इसलिए, तो इनको मैं स्टार्ट इनको मैं इंपोर्ट करूँगा प्रीमियर प्रो में। तो मैं प्रीमियर प्रो खोल लेते अपने, कुछ है ही नहीं यार, सही है, मतलब सबसे सिंपल है हाइपरलैप्स बनाना। बस प्रोसीजर एक है, वो प्रीडिफाइंड है, ऐसा नहीं कि आपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और हाइपरलैप्स बन जाएगा, आपको इस ऑर्डर के थ्रू चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगा, जिसमें मैंने कुछ डाल दिया हाइपरलैप्स कॉपी डाल दिया। ठीक है, प्रीमियर प्रो आपको आता ही होगा, कुछ मेन चीज़ बता दूँगा आपको क्या करना है। आपको जब जैसे फाइल इंपोर्ट करते हो तो हम इस बार फाइल इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सीक्वेंस इंपोर्ट करेंगे। डबल क्लिक करा मैंने, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जो अब जो हम कहाँ है फाइल हमारी, मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कहाँ है। ठीक है, मैं इस पाथ में इसका पाथ मिस कर रहा हूँ। तो जो पहली ये 102 से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिक्शा करी थी, तो ये 102 से स्टार्ट है, आपका 1 से स्टार्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली फाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है, ये पहली फाइल है जो सीक्वेंस ऑर्डर है, उसकी पहली फाइल को सिलेक्ट करें, इमेज सीक्वेंस को टिक कर दीजिए और ओपन कर लीजिए। हमें पूरी सारी फाइल को इंपोर्ट नहीं करना, पहली फाइल को सिलेक्ट करके करना है। तो ये पूरा पूरा हाइपरलैप्स इंपोर्ट हो गया, दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी अटक रहा है, इसको मुझे रेंडर करना पड़ेगा, तो इसको रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ 1080p की। उसके अंदर वीडियो, अब मेरा हमारा जो कैमरा है वो 5K 8K 6K जितने भी फोटो खींचता है, फोटो साइज वीडियो से बड़ा होता है। 1080p में देखो ये बड़ा दिख रहा है आपको, है ना, तो मैं स्केल टू फ्रेम साइज कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करूंगा इसको, सिंपल एडजस्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये रेंडर हो रहा है, दिल लगेगी इसमें, तो स्किप करो। हाँ, तो ये रेंडर आउट हो गया है, इसको आप देख सकते हैं कैसे लगेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको हाइपरलैप्स अंदर का ट्रांजिशन होता है। मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था, वो ऊपर जो सर्कल है उसके उसी पे पूरा हाइपरलैप्स बनाया मैंने। ओके, तो ये हमारा हाइपरलैप्स बन गया। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते, जैसे आप जैसे आपका वीडियो हिल रहा है, शेक आ रहा है, आपको थोड़ा स्मूथ करना है हाइपरलैप्स को, तो मेन सबसे बढ़िया तरीका वाप स्टेबलाइजेशन जो होता है उसको इस पर लगा दीजिए। ये अभी लगा नहीं क्योंकि वो उसको रेस्ट करना पड़ेगा, आप सीधा लगाने से पहले आपको रेस्ट करना पड़ता है वीडियो को, तो मैंने रेस्ट कर दिया, इसके लगाऊंगा। याद रखना, जब आप स्केलिंग करोगे या फिर कोई स्पीड का कोई चेंजेस लाते हो तो वापस तो आपको अपने वीडियो को नेस्ट करना पड़ता है, जब अगर आपको वापस स्टेबलाइजेशन यूज़ करना है उसके ऊपर, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, स्किप करते हैं। तो अभी आप देखिए ये जो होगा स्मूथ हो गया होगा, तो हमने वापस स्टेबलाइजेशन यूज़ करा है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए कितना स्मूथ आया है, जैसे हमने वीडियो गिम्बल से रिकॉर्डिंग करी है ऐसा लग रहा है। तो आप जैसे आप गिम्बल से रिकॉर्ड, आप गिम्बल की जरूरत नहीं है, आप अपने फोटोज़ खींच खींच के भी आप हाइपरलैप्स अच्छे हाइपरलैप्स बना सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। तो यार ये तरीका था हाइपरलैप्स बनाने का, सेम तरीका है टाइमलैप्स बनाने का। जैसे हमने हाइपरलैप्स को इंपोर्ट किया वैसे ही हम टाइमलैप्स को इंपोर्ट करेंगे, उसमें वाप स्टेबलाइजेशन जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्योंकि हम जो टाइमलैप्स बनाते हैं तो एक पॉइंट सिंगल पॉइंट पर रख के बनाते हैं, तो वैसे भी कोई उसमें मूवमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए टाइमलैप्स में आपको वाप स्टेबलाइजेशन लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऐसी जैसे हमने लाइटरूम में पहले फाइल्स को करा, एडिट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, उनके बाद उसको प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना है। तो ये तरीका सिंपल था, समझ गए, अब वो दोहराता हूँ मेरे से। सबसे पहले आपको लाइट रूम के अंदर सारी रॉ फाइल्स को डालना है, एडिट करना है, सिंक ऑल करना है। ठीक है, ध्यान रखना बीच में सेटिंग्स चेंज ना हो,
जिससे परफेक्टली स्मूथ ट्रांजिशन लगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को उसको सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना है, कस्टम नेम सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना है। ओके, जो फाइल्स आएंगी वो डैश वन डैश टू के नाम से आएंगी, सारी फाइल्स जो आ जाएंगी प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करनी है। कैसे करनी है, इंपोर्ट में जाएंगे, पहली फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सारी फाइल्स को ओनली फर्स्ट फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इमेज सीक्वेंस को टिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिया हमने, अगर हमारा हाइपरलैप्स है तो उसमें वाव स्टेबलाइजेशन लगा सकते हो आप। अगर आपका वाव स्टेबलाइजेशन प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब फोटो क्रॉप हो रही है, इसका मतलब आपका सही तरह से बना नहीं है हाइपरलैप्स, तो आप वाव स्टेबलाइजेशन यूज़ ना करें। ठीक है, और अगर आपका टाइम लैप्स है सिंपल, तो आपको स्टेबलाइजेशन यूज़ करनी जरूरत है नहीं। ये सिंपल तरीका था, और कोई मुझे तरीका पता नहीं, सिंपल तरीका आपको ये थ्रू मुझे पता है, ये मुझे यही प्रोसेस पता है कि पहले लाइट में जाना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम में जाना पड़ता है। अभी मुझे कोई तरीका पता चलेगा और कोई सिंपल तरीका, सिंपल तो ये भी तरीका है, बस थोड़ा लेंदी है, लंबा है थोड़ा प्रोसेस। अगर कोई सिंपल तरीका मिलेगा तो बताऊंगा मैं आपको, बट ये तरीका अभी तो है। ठीक है, आपको लाइट रूम चाहिए और प्रीमियर प्रो चाहिए इस तरीके के लिए, आफ्टर आफ्टर इफेक्ट्स भी कर सकते हो। ओके, तो ये था तरीका, मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।